प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस महिला प्रत्याशी उतारे हैं इस बार, देखा जाए तो दोनों पार्टी के प्रत्याशी पुरुष प्रत्याशी, कैसे देख रहे हैं इस बार? सबसे पहले मैं तो हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान को और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री को और सारे हमारे शीर्ष नेता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सबने मुझे एक मिडिल क्लास के व्यक्ति को, एक किसान एक मजदूर के बेटा को, मैं जब 2008 में शुरू किया टिकट मांगना, 10 साल तक मैं मेहनत किया और 2018 में मुझ पर भरोसा जताते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और मैं यहाँ से लगभग 10,500 वोटों से यहाँ से जीत के विजयी हुआ और बहुत उनके आशीर्वाद से क्षेत्र में बहुत सारा काम भी हुआ है। अब रही बात आलाकमान हाईकमान की बात है, उनको लगा कि ये जीतने वाले प्रत्याशी है, योग्य प्रत्याशी है, इस संबंध में मैं आलाकमान को शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अच्छा प्रत्याशी दिया है, आगे अच्छा होगा, बिलाईगढ़ की जनता के आशीर्वाद भी मिलेगी। कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, कई लोगों की संशय है, क्या कहेंगे इसमें? अब लोगों की संशय को कौन कह सकता है, लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक नेता रहा हूँ और मैं जो सोचता हूँ मेरा भविष्य है और मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मैं यहाँ सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जो हो गया सो हो गया, आप लोग चाहते हैं कि हमारे विधायक एक बार फिर से आप सभी के बीच में विधायक बन के आए? अगर चाहते हैं तो सारे लोग अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करें और समर्थन दें विधायक जी को, यहाँ से लेकर के राज्य तक हम आज जानी चाहिए, दसवीं वहां तक जानी चाहिए, पता चलना चाहिए कि छिमरी वासी एमसीबी जिले के जितने वासी हैं सारे लोग फिर से डॉक्टर विनय जायसवाल को यहाँ लेके आएंगे। आज सभी अपने मोबाइल को फ्लैश लाइट चलाइए और समर्थन दीजिए, जितना लाइट चलेगा उतना रोशनी राज्य तक जाएगा, राज्य से दिल्ली तक जाएगा, पता चलना चाहिए कि जो गलत हुआ है उस गलत को हम गलत नहीं होने देंगे, आपका डिसीजन बिल्कुल गलत है उसको हम बिल्कुल गलत साबित करके रहेंगे। और विधायक जी अभी अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और इस बार ये दुर्भाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है कि इतने सारे हमारे चिमरी के परिवार के लोग हैं और मुझे ये बोला गया है कि चिमरी के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको टिकट इस बार नहीं। हम लोगों ने आत्मिक कोशिश की, आज मेरी पत्नी महापौर है, लोग ये आरोप लगाते हैं कि एक ही परिवार के महापौर बन गए, एक ही परिवार के विधायक बन गए। आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले जो भी महापौर जो भी विधायक बने किसी की बुराई करने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि हमारे परिवार ने, मेरी पत्नी और मैंने पूरे ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति को, हर उस आदमी को जो हमारे यहाँ आया है उसको हम लोग सुनने का